नीतीश कुमार की एक बड़ी खासियत है, वो जब तक बहुत जरूरी ना हो किसी पर राजनीतिक हमला नहीं बोलते हैं, और अपनी राजनीति में वो सभी जातियों को खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसकी वजह ये है कि नीतीश कुमार को सीएम बनने के लिए हर वक्त एक मजबूत सहयोगी की जरूरत रहती है। दूसरी बड़ी बात है कि नीतीश जिस जाति से आते हैं, सिर्फ उनके भरोसे पर वो सत्ता में नहीं बने रह सकते। लेकिन इस बार नीतीश कुमार फंस गए हैं। नीतीश पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा है। आरोप लगाया है बीएसपी प्रमुख मायावती ने। मायावती ने नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए कई ट्वीट किए हैं। ट्वीट में उन्होंने नीतीश सरकार के दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या के मामले में आनंद मोहन को नियम बदल कर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चा में है। मायावती ने आगे लिखा है, आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले को लेकर नीतीश कुमार का ये दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ भी मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। दरअसल पूरा मामला जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को लेकर है। बिहार सरकार ने हाल ही में जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। आनंद मोहन राजपूतों के बाहुबली रहे हैं। कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार ने राजपूतों का समर्थन हासिल करने के लिए बिहार जेल मैनुअल में बदलाव किए हैं, जिसके बाद आनंद मोहन जल्द ही जेल की कैद से आजाद हो सकते हैं। इसके पहले भी नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वो आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता निकाल रहे हैं। इसके लिए उनकी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। राजपूत समर्थकों की वजह से बिहार के राजनीतिक दलों ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ मायावती अब खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नीतीश कुमार एक तरफ मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करने में लगे हैं। इस मुहिम में मायावती और उनकी पार्टी बसपा को भी साथ लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब नीतीश की मुहिम को मायावती ने झटका दे दिया है। आनंद मोहन के नाम पर वो नीतीश के विरोध में आ गई हैं। इस मामले में मायावती ने जिस तरह का ट्वीट किया है, उससे नीतीश को दलित विरोधी चेहरा भी करार दिया जा सकता है। दलितों के सम्मान को लेकर अगर नीतीश को इस तरह से घेरने की कोशिश होती है, तो उनके लिए काफी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बिहार में दलितों की आबादी करीब 16% है। इसको अपने गरीब लाने की कोशिश हर पार्टी करती है। नीतीश कुमार का फोकस भी दलित वोट बैंक पर है, इसलिए नीतीश सरकार ने बीते 14 अप्रैल को धूमधाम से अंबेडकर जयंती का आयोजन किया था। ऐसे आयोजन हर इलाके में किए गए। इसके अलावा दलितों के करीब जाने के लिए जेडीयू ने भीम चौपाल का भी आयोजन किया था। इसमें नीतीश सरकार के कार्यक्रमों को प्रचारित किया गया। कहा जा रहा है कि अगले चुनाव में चिराग पासवान को करारी शिकस्त देने के लिए नीतीश कुमार ने दलित वोट बैंक पर खास तौर पर ध्यान दिया है, लेकिन आनंद मोहन की वजह से उन्हें जिस तरह से घेरा जा रहा है, इसकी वजह से दलित उनसे छटक भी सकते हैं। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 Digital।